नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा, नेपाल में थप 16 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिलक है। देश भर कैल गए 614 PCR परीक्षण के क्रम में 9 गोटे आ 1123 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 7 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में किनको मृत्यु नहीं भेल। बीतल 24 घंटा में कोरोना से थप 13 गोटे संक्रमित निक भेल। अखन नेपाल में 563 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रवक्ता मनीष सुमन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के चुनाव हराव सप्तरी में देश विदेशी एजेंट सब डेरा जमा कर बैसल दावी कने। तिलाठी में आयोजित चुनावी सभा के संबोधन करते सुमन यादव के हराव लेल देश विदेशी शक्ति सब बोरा के बोरा पैसा लक डेरा जमा कर बैस रहल दावी कलन। सुमन इस सब गोटे भ्रम सृजना कक जनता के बहकाव के काज कर रहल आरोप समेत लगौने सलन। ये संगे यादव के हराब व जिताब के काज जनता के रहला से सप्तरी दू के मतदाता यादव के पक्ष में मत राख लेल आतुर समेत देखल गेल हिनकर कहब सल। नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेंद्र निधि संविधान के सफल कार्यान्वयन के लेल आगामी निर्वाचन में गठबंधन के जिताब लेल जिक्र कने सायथ। बृहस्पति दिन काठमांडू के बानेसर में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में नेता निधि एमाले के उकसाहट में राष्ट्रपति बेर बेर संविधान उल्लंघन कला से अके संरक्षण कर निर्वाचन में गठबंधन के जिताब जिक्र कल। संविधान के रक्षा कक संविधान देश के रक्षा करत हिनकर कहब सल। ओ अगहन 4 गते के चुनाव में कांग्रेस के विजय कराव पहल दायित्व रहल जिक्र कक कांग्रेस सक्षम उम्मीदवार सबके उठेने जिक्र से हो केने सैना। कांग्रेस के कुशल नेतृत्व के कारण लोकतांत्रिक संविधान जारी होब सकल हिनकर कहब सल। नेपाली कांग्रेसको कुशल नेतृत्वको कारणले सफल नेतृत्वको कारणले सुझबुझको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा संविधान जारी भयो। र त्यस कारण यो संविधानलाई टिकाउ बनाऊ, यो संविधानलाई दीर्घायु बनाऊ आज सबभन्दा बढी नै हो। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले अहिना कांग्रेस नेता मोहन बहादुर बस्नेत पार्टी में प्रवेश नेता सबके उचित सम्मान आ इज्जत देव विश्वास व्यक्त करौलन। केहनो कठिन परिस्थिति में अपने जनता के सुख दुख में साथ देने कहत आ ई अपन कर्तव्य संगे दायित्व समेत रहल जिक्र कने सलन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो वडामा गएर अब केन्द्रित हुनु, केन्द्रीय नेताहरूले अब अलिक हिँड्ने कुरा देख्ने हो, अधिकारिकका साथीहरूले पार्टी नेता देख्ने हो, र अधिकांश साथीहरूले आफ्नो वडामा बसेर बोल्ने बनाउनुहोस्। काङ्ग्रेसलाई अत्यधिक मत हाल हलाउनुहोस्, हामी सबैतिर रिपोर्ट दिन्छौँ। र अर्कोपटक अहिले नै तपाईँ स्थानीय चुनाव अगाडि आएको भए त एक नम्बर क्षेत्रीय सभापति मेरो कार्यक्रम बुवा छोडो आइबस थियो बाजु। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के केंद्रीय सदस्य यस्मिन ढुंगाना सहित सिंधुपाल चौक क्षेत्र नंबर 2 के नेता कार्यकर्ता सब कांग्रेस में प्रवेश कने सायथ। सत्ता गठबंधन से धनुषा 3 के ख के प्रदेश सभा सदस्य पदक उम्मीदवार परमेश्वर शाह 5 वर्ष धरि अपने सांसद के रूप में सदन में निरंतर मधेश प्रदेश के हितक लेल आवाज उठेने जिक्र कने सैन। अखन के समय में मतदाता सबके भ्रम में रह कर कोई गोटे चुनाव जीत नहीं सकत संगे वास्तविकता में अपने चुनाव जीतब ओ दावी समेत कलन। ओ कलन अब मतदाता सबके भ्रमित कर नहीं सकै छी, मतदाता सब के सही नेतृत्व करता आ के अवसरवादी छन ई छुटियाई रहल सन। संगे ओ अपने दुख सुख में काज लाग नेता के छन लागल सैन। निर्वाचन के समय में आब के मात्रे जनता के घर घर में पहुँचल सबके इस सब गोटे मत नहीं देत, सही नेतृत्वकर्ता के पहचान कक वोट देव लेल मतदाता सब संग साह आग्रह से हो कलन।
ओ नेतृत्व में रहल जनता के दुख सुख में कार्य केने, जनता के सेवा में निरंतर खटल आ विकास निर्माण के कार्य के प्राथमिकता देव उम्मीदवार के चुन कर संसद में पठाव मतदाता सब संग अपील समेत केने सैन। उम्मीदवार सब बृहस्पति दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्डा नंबर 3 में 5 दलीय गठबंधन के कार्यालय उद्घाटन करते देश में व्यापक समस्या समाधान के लिए सत्ता गठबंधन के पक्ष में मतदान कर लेल आग्रह कलि। बैंक तथा वित्तीय संस्था सब दिन प्रतिदिन ऋण के ब्याज दर में वृद्धि के ने यह विरोध जनकपुर धाम के व्यवसायी सब बाट पर उतरल सैन। ब्याज दर के मार में पड़ल कहित जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व में व्यवसायी सब बाट पर उतरल सैन। बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधान के मांग रखित व्यवसायी सब आई भिनसरे जनकपुर धाम में शांतिपूर्ण विरोध रैली प्रदर्शन केने सलैन। संबंधित निकाय में इस सब गोटे ज्ञापन पत्र समेत बुझौलन तब मांग पूरा नहीं कैल गेल बाद चरणबद्ध आंदोलन करब चेतावनी समेत व्यापारी सब देने साथ। नेकपा मालिक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचंड नेकपा के एकता तोड़ने आरोप लगौने साथ। बृहस्पति दिन झापा क्षेत्र नंबर 4 शिवगंज में आयोजित चुनावी सभा के संबोधन करते ओली एक ठाम में बैस नहीं सकल प्रचंड चुलबुले बानी के कारण नेकपा के एकता तोड़ देने आरोप लगौलै। पार्टी एकीकरण क चुकल बाद एकताबद्ध पार्टी में रह कर देश बनाब पड़ला से किछ कार्यकर्ता सबके प्रचंड अलमला के अपना संगे ल गेल हिनकर कहब। ओ माओवादी के किछ नेता सब पार्टी के पारिवारिक चंगोल बनेने तर्क समेत कलन। अध्यक्ष ओली एमाले के देश बनाब बाहेक अन्य कोनो स्वार्थ नहीं रहल जिक्र करते गठबंधन छोड़ कर एमाले में आवा लेल कांग्रेस आ माओवादी के नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह केने सैन। संगे ओली एमाले आगा बढ़ल विकास के अभियान के आगा बढ़ाव आगामी निर्वाचन में जीतब पर आ 5 वर्ष भीतर देश बना क देखाएब जिक्र समेत कलन। ओली नेपाल जेहन देश गरीब होब पड़ल कोनो कारण नहीं रहला से एमाले सरकार समृद्ध बनाब दावी समेत कलन। अबेर के निर्वाचन में किछ सीट में राप्रपा संग भेल तालमेल के सहमति के कारण बन करब हिनकर कहब समेत रहल सल। छोरा छोरी अवस्था चाहिए युवाहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ उद्यमशीलताका अवसरहरू चाहिएको छ त्यो काम एमालेले गर्छ। आउनुहोस् एमालेमा परिश्रम वंशीर चाल एमाले सरकार आफ्नो मूलपत्र त्यही हो अहिले कम भएछ एमालेले गर्छ देश बनाएर छोड्छ एमाले 5 वर्षले त्यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरू यस अभियानमा जुटौँ। नेकपा एमाले यसपल्ट जित्छ जित्नुपर्छ एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा यसले विकासको अभियान जन अगाडि बढाएको। कार्यक्रम में विभिन्न दल के कार्यकर्ता सब के अध्यक्ष ओली एमाले प्रवेश कराने छनैथ। मध्य प्रदेश के अधिकांश मतदान स्थल आ मतदान केंद्र अति संवेदनशील में वर्गीकरण कैल गेल। प्रदेश 2 में 2156 मतदान स्थल आ 4235 मतदान केंद्र निर्धारण कैल गेल जाहि मध्य अधिकांश मतदान स्थल आ मतदान केंद्र अति संवेदनशील रहल। सुरक्षा निकाय मध्य प्रदेश के मतदान स्थल आ मतदान केंद्र के 3 समूह में वर्गीकरण केने अ जाहि में 1230 मतदान स्थल आ 2472 मतदान केंद्र के अति संवेदनशील में वर्गीकृत कैल गेल। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जानकारी दिलक अना 779 मतदान स्थल आ 1498 मतदान केंद्र संवेदनशील, 147 मतदान स्थल आ 265 मतदान केंद्र सामान्य रहल। प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुमन कुमार तिमिल सिन्हा जानकारी दिल। सुरक्षा निकाय बीतल चुनाव में भेल गतिविधि लगात के विभिन्न आधार में मतदान केंद्र आ मतदान स्थल के वर्गीकरण कलक। मध्य प्रदेश के 8 जिला के सीमा भारत संग जोड़ला कारण समेत ए प्रदेश में अन्य प्रदेश के तुलना में सुरक्षा चुनौती समेत बढ़ल। सुदूर पश्चिम प्रदेश के बाजुरा में भूकंप गेल। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार आई भिनसर 5:13 में बाजुरा के खपडर छेदे दह गांव पालिका के काड़ा से 3 किलोमीटर पश्चिम केंद्र बिंदु बनाकर भूकंप गेल।
भूकम्प 4.1 मैग्नीच्यूड के रहल केंद्र जानकारी देलक अछि। बुध दिन आ मंगल दिन खपट राष्ट्रीय निकुंज के केंद्र बिंदु बनाकर 3 भूकंप गेल छल। बुध दिन भिनसर 2:12 में गेल भूकंप 6.6 मैग्नीच्यूड के भूकंप डोडी के पूर्वी चौक गाँव पालिका गैरा गाँव में घर टूटला से 6 गोटे के मृत्यु भेल छल। भूकंप के धक्का से 8 घर समेत टूटल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादीक अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल केपी ओली अखन पीत आ बदला ल रहल टिप्पणी केने छथि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में नेपाल अखन एकीकृत समाजवादी के सफलता देख ओली तरस रहल आ पीत के साथे बदला लेब के पक्ष में ओली देखल गेल टिप्पणी कलन। अध्यक्ष नेपाल अखन चुनाव जीत के लिए एमाले पैसा के नदी बहा देने आ ई पैसा के नदी लूट संगे भ्रष्टाचार के रहल आरोप लगौलन। पैसा से मात्र चुनाव जीत एमाले के मूल्यांकन गलत रहल संगे स्थानीय तह के चुनाव में एमाले बड़का धोखा खेने हिनकर कहब सल। ओ एमाले अखन दक्षिण पंथी आ देश के विखंडन कर संग साठ गांठ के ने जिक्र समेत कलन। अध्यक्ष नेपाल अखन अपने सबके गठबंधन अग्रगमन आ संविधान के रक्षा के साथे देश के विकास के बाट में आगा बढ़ल संगे गठबंधन के चुनाव में जिताव परत हिनकर कहब सल। ओ प्रतिगामी आ पश्चगामी शक्ति के जनता के पराजित करत आगा बढ़ल तर्क कलन। चुनाव जीत गठबंधन के मात्रे भरोसा नहीं कर संगे अपन शक्ति समेत बढ़ाव हिनकर कहब अछि। यही प्रवृत्ति का पाप आज उन्हें चाहिए ये चुनाव में गई रहे फंसे तो अरबों रुपया कहाँ लियाए कि उनको पार्टी भि पैसा पानी बोट आँस पैसा पल्स तो गाछी में तो रुख में पैसा पल्स कहाँ लिया कौन आमदनी आमदनी को स्रोत की हो त्यो लुट भ्रष्टाचार लुट र भ्रष्टाचार गरेको हुनाले अहिले चुनावमा उनी चाहिँ पैसा पुरै खोलो हुँदा तर पैसाले मात्रै जनतालाई किन्न सकिन्छ भने काने अचम्म भने तिनीहरूले एकदम गलत भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा एमाले ठुलो थक्का विचलित भयो। कार्यक्रम में विभिन्न दल से आयल नेता तथा कार्यकर्ता के अध्यक्ष नेपाल एकीकृत समाजवादी में प्रवेश कराने सलाह। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह लोकतांत्रिक वाम गठबंधन मात्र देश के प्रगति के पथ में आगा ल जाए जिक्र कने सलाह। गणेश मान सिंह के 108वें जन्म जयंती के अवसर में काठमांडू महानगरपालिका 10 जोगी कुटी स्थित सुवर्ण पार्क में आयोजित कैल गेल कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ अखन गठबंधन के आवश्यकता देश में रहल जिक्र क गठबंधन मात्र देश के प्रगति के पथ में आगा ल जाए जानकारी देने छन। गणेश मान सिंह वामपंथी सबके साथ में लक 2046 साल के जन आंदोलन सफल बने ने हिनकर कहब सल। नेता सिंह अखन गणेश मान सिंह शुरू के ने कार्यगत एकता ओतबा सान्दर्भिक रहल समेत जिक्र कलन। If one was there, one did pick up a bad and bugger. Well, for day, it's some people say, democracy known about property, who knows what the reason they come on to put up. Is it what happened here? I say, oh, I'm running the whole debate. That's good. But a book has put it up. And run it, your parents south of the land, no. Some people say, get with it. Some people who have one of them, run out of run, get out, and eat him out, no. गणेश मान सिंह नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलन के नायक बीपी कोइराला संग मिलकर नेपाली कांग्रेस स्थापना समिति केने छलथि। सिंह नेपाली राजनीति में संघर्ष आ ईमानदारिकता के पर्याय मानल जाइल छन्। राणा शासन के अंत्य आ प्रजातंत्र बहाली के लेल सिंह के योगदान के अतुल्य मानल गेल अछि। बीरगंज में लंबा समय से जीर्ण रहल बाट मरम्मत के काज शुरू भेल अछि। रजत जयंती चौक से लक मितेरी पुल धर के जीर्ण बाट पिचिंग आ ओवर कर जेहन काज भरल अछि। नेपाल भारत जोड़ल गेल मुख्य नाका बीरगंज रक्सौल के मितेरी पुल के नेपाल दिस से हो रहल 137 मीटर खंड कालो पत्रे होबय लागल अछि। मितेरी पुल से उत्तर शंकर आचार्य द्वार
भन्सार कार्यालय होइत रजत जयन्ती चौक धरिके बाट जीर्ण भऽ रहल सङ्गे जीर्ण रहलासँ आगमनमे समस्या होइत असल व्यापारिक विस्तार मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय मार्फत ठेका लेने समा कंस्ट्रक्शन अखन धमाधम काज कऽ रहल अछि। एहि क्षेत्रमे 14 मीटर चौड़ा बाटमे कालो पत्रे करऽ लागल अछि। अखन एक दिशके 7 मीटरमे प्राइम कोट भऽ रहल अछि तऽ दोसर दिशके काज ई खत्म भेलाक बाद शुरू कयल जायत आयोजना कार्यालय जानकारी देलक अछि। वीरगंजके जीर्ण सड़क मरम्मतके लेल कहैत व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय दूटा पैकेजमे ठेका लगाबऽ जेहन 2078 फूस 5 गते सूचना निकालने छल। 5-5 करोड़ रुपैआके दूटा पैकेजमे सड़क मरम्मत करऽ योजना राखल गेल छल तऽ ऑनलाइन आवेदन माँग करैत रजत जयन्ती चौकसँ मितेरी पुल धरिके 1.3 किलोमीटर सड़कके लेल समा कंस्ट्रक्शन आ पावर हाउस चौकसँ लऽ कऽ रजत जयन्ती चौक धरिके लेल सागर निरीक्ष जे भी आवेदन देने छल। टुडे समाचार अखनके लेल एतबा, कोनो दोसर समाचार लऽ उपस्थित हवेटा करब। तखन धरिके लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।